फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है 29th of January 2023 और आज का ये व्लॉग अभी मैं रात के बज रहे हैं 8 और अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और आप लोग देख सकते हो कि मैं ये कहीं नए जगह से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आगे से ये जगह आपके लिए यूज्ड हो जाएगा। आप आगे से मुझे यही जगह पे व्लॉग करते हुए पाओगे। यस, टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे एंड आप लोग मेरे जर्नी में हो। मैं ये 2-3 साल हो गए हैं, आई थिंक 2018 से मैं व्लॉग कर रही हूँ और जो भी स्पेशल होता है लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इस दिन को शेयर ना करूँ तो कैसे हो सकता है। तो यस, वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। मतलब अभी पूरा शिफ्टिंग ख़त्म नहीं हुआ है, आज हमें कीज़ मिले हैं घर के, तो अभी हम लोग कल और परसों तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे शिफ्टिंग। अभी पूरा घर खाली है तो हम लोग थोड़ा चेक करने आए थे कि क्लीनिंग पेंटिंग सब अच्छे से हुआ है कि नहीं, और आज कीज़ हम लोग को हैंडओवर हुआ है। तो ये एक रेंटेड अपार्टमेंट है 3 BHK इन अ गेटेड सोसाइटी बैंगलोर में। तो सारा डिटेल्स मैं शेयर करूंगी एक अलग व्लॉग में कि हम लोग जब घर ढूंढ रहे थे, तो करेंटली हम लोग 2 BHK में रहते हैं। तो रिहान आने के बाद, यानी हमारे एक बेबी बॉय है 18 मंथ्स का, तो उसके बर्थ के बाद से हम लोग को फील हुआ कि वी नीड अ बिगर हाउस, क्योंकि उसको खेलने के लिए स्पेस चाहिए, फिर बच्चे का सामान, खिलौना, कपड़े, तो 2 BHK में नहीं हो रहा था। तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग 3 BHK शिफ्ट करेंगे, बट मन को अच्छा लगे या मतलब जैसे हमें चाहिए था वैसा हाउस नहीं मिल रहा था, तो हम लोग अचानक ही दिसंबर मंथ के एंड से स्टार्ट किए खोजना। तो वी टुक अ प्लान इन नो ब्रोकर एंड वहाँ से 2-3 घर देखने के बाद ही हमें ये घर मिला एंड वी जस्ट लव दिस हाउस। तो इसका पूरा इंटीरियर बहुत अच्छे से किया हुआ है, दैट इज़ अ रीज़न वी रियली लव। और ये भी सोच के कि यूट्यूब के लिए ऐसे मतलब डेकोरेटेड हाउस जिसमें अच्छा लाइटिंग हो मिलना बहुत ही मतलब यूज़फुल होगा मेरे लिए, तो वही सोच के, सब कुछ सोच के हम लोगों ने ये घर फाइनल कर दिया और आज हमें कीज़ मिल गया है। तो आज मैं आप लोगों को दूंगी एक एम्प्टी हाउस टूर और बाद में आगे के व्लॉग्स में आप देखेंगे हमारा शिफ्टिंग जर्नी, फिर मैं कैसे क्या घर को सजाती हूँ सब कुछ। बट आज चलिए आप लोगों को दिखाते हैं एम्प्टी हाउस टूर ऑफ आवर रेंटेड 3 BHK अपार्टमेंट। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो ये है हमारा एंट्रेंस। एंटर होते ही वी हैव अ वॉल सेपरेटर हियर और यहाँ पे शू रैक है और ये रहा हमारा डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मिरर है, यहाँ पे लैम्प है आप देख सकते हो। तो ये है हमारा डाइनिंग स्पेस, यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट बना हुआ है एंड दिस इज़ द लिविंग एरिया। यहाँ पे टीवी यूनिट बना हुआ है विद एम्बियंस लाइटिंग एंड स्पॉट लाइट्स एंड ऑल। और ये है खूबसूरत सा बालकनी, ये लिविंग रूम के साथ एक अटैच्ड बालकनी है और ये बालकनी से व्यू है रात का। सुबह जब हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे मैं सुबह का व्यू दिखाऊंगी। आज हम लोगों को यहाँ आते आते लेट हो गया और इसलिए अभी आपको नाइट व्यू मिल रहा है, तो कल हम लोग फिर आएंगे या बाद में जब भी शिफ्ट हो जाएंगे मैं मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगी। तो ये जो एग्जिस्टिंग ओनर है तो उनका ही बनाया हुआ है प्लांट्स के लिए और ये पूरा कवर्ड है। तो हमारे घर में बच्चा है एंड ये हमको बहुत ही काम आएगा, ये पूरा जो कवर्ड ग्रिल बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग लिविंग रूम से होते हुए चलते हैं यहाँ। तो ये है दी
मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ द हाउस विच इज किचन. यहाँ पे सबका खाना बनेगा, सबको मनपसंद खाना मिलेगा यहाँ पे. तो यहाँ दिस इज अ मॉड्यूलर किचन. तो यहाँ पे पूरा कबर्ड बना हुआ है एंड आप देख सकते हो चिमनी और ये गैस ओवन भी हम लोगों को मिला है विद दिस मॉड्यूलर किचन एंड वॉश बेसिन एरिया. ये है यूटेंसिल वॉश एरिया और इसके नीचे सिलेंडर जाएगा और यहाँ पे वॉशिंग मशीन आ जाएगा और ये यूटिलिटी एरिया है. तो ये रहा दी किचन जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए माइक्रोवेव वीडियो और कुकिंग वीडियोस बनाऊंगी. तो यहाँ पे आ जाता है एक फर्स्ट वॉशरूम. तो ये कुछ ऐसा है. वैसे तो क्लीन करके उन्होंने दिया है बट हम लोग शिफ्ट करने के बाद और अच्छे से एक बार क्लीन कर लेंगे. दिस इज द वॉशरूम. ये है मंदिर. तो यहाँ पे उन्होंने एक एडिशनल वॉल क्रिएट करके ऐसे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके मंदिर बनाया है. यहाँ पे एक और स्टोरेज स्पेस है एंड ये वॉल डेकोर भी उनका किया हुआ है. सारे लाइट सब उनका लगाया हुआ है. एंड दिस इज द फर्स्ट रूम. ये है पहला रूम. यहाँ पे कबर्ड, ह्यूज कबर्ड एंड दिस इज ऑल्सो ह्यूज. देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो रूम है. इस रूम को हम अपना ऑफिस रूम बनाएंगे फॉर माई यूट्यूब वीडियोज, हस्बैंड के काम के लिए, मेरे ऑफिस के काम के लिए. एंड पूरा ये सब बना हुआ है. एंड यहाँ पे भी यू हैव अ ह्यूज वार्डरोब एंड यू हैव अ ब्यूटिफुल वॉल. तो यहाँ भी विंडो है और यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है. एंड हियर वी हैव अ मिरर. तो इसको हम ऑफिस रूम बनाएंगे, जब डेकोरेशन कर लेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. एंड नाउ कम्स द मास्टर बेडरूम. तो ये है मास्टर बेडरूम एंड यहाँ पे भी वॉल माउंट्स किए हुए हैं. वी कैन कीप अ लॉट ऑफ डेकोरेटिव स्टफ हियर. एंड यहाँ पे भी एक वर्क स्टेशन बनाने के लिए यहाँ पे ये जो वुडन माउंट है वो हम यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे भी ह्यूज वार्डरोब एंड वी हैव अटैच्ड बाथरूम हियर एंड वी हैव अनदर बालकनी गाइस. यहाँ पे मॉस्किटो नेट लगे हुए हैं दोनों बालकनी में. तो यहाँ से ये रहा बालकनी एंड यहाँ से भी आपको थोड़ा व्यू मिल जाएगा. So here it is. सो गाइज ये था हमारे 3 BHK रेंटेड अपार्टमेंट का टूर. और हम लोग बहुत खुश हैं इस घर को लेके. द वे वी वांटेड कि जैसा घर हो. पूरा इंटीरियर करा हुआ है तो जो ओनर थे वो लोग अपने खुद के रहने के लिए घर बनाया थे बट ड्यू टू सम रीजन दे आर शिफ्टिंग टू सम अदर प्लेस. तो इसीलिए इतना खूबसूरत घर जो उन्होंने बनाया है वो हमें मिला है. एंड वी विश कि हम इस की खूबसूरती को मेंटेन रख सके क्योंकि ये अब से हमारा घर है.
तो वी आर वेरी एक्साइटेड, और ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब मैं अगले 2 दिन में मतलब पूरा कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाएगा और मैं अब यहाँ से ब्लॉग बनाऊंगी। और इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाउस है, आप लोगों को विजुअली अच्छा लगेगा देखने के लिए, इतना लाइटिंग अच्छा है। एंड आई होप आप लोगों को मैं दिन का जो व्यू है दिखा पाती कि कितना लाइट आता है। बट कोई नहीं, अभी तो यहाँ रहेंगे तो आप लोगों को बाद में दिखा देंगे। तो आज हम लोग भगवान को लेके आए हैं और थोड़ा बहुत सामान लेके आए हैं, तो भगवान को थोड़ा पूजा करके सामान रख के आ जाएंगे, फिर कल थोड़ा सामान शिफ्ट करेंगे और परसों फाइनली सब कुछ लेके पैकर्स एंड मूवर्स के साथ वी विल शिफ्ट। तो आई थॉट कि सामान आने से पहले आप लोगों को एक एम्प्टी हाउस टूर दे दूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा नया रेंटेड अपार्टमेंट। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, हम अलग से वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग हाउस हंटिंग इन बैंगलोर, कि हमें ये घर कैसे मिला। और अगर आप बैंगलोर आ रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर ऑलरेडी रहते हो, चेंज करना चाहते हो घर, तो रेंटिंग टिप्स और सब कुछ जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है और जो जिससे हमें हेल्प हुई है, वो सारा टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हबी एंड मी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और हमारे हर वीडियो को देखते रहिए। एंटिल और नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और हेल्दी रहिए।